हेडफोन लगाओ ते तुन दियो, तुम्हें कसम है माइक ना छोड़ना, माइक लगाकर शुरू हो जाओ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ताक ताक कर पीटीआई रहनुमाओं पर निशाने। कहा अपोजिशन गालियां देती है, हाउस की तस्दीक करती है, इन लोगों को शर्म आ रही है, ना हया। ये लोग गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। इनका लीडर भी पैंतरे बदलता था, ये कल भी नौ मई वाले थे, आज भी नौ मई वाले हैं। किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते, अस्करी क्यादत पार्लियामेंट को एतमाद मिले। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं हो सकती, पार्लियामेंट को एतमाद मिले बगैर ऑपरेशन शुरू न किया जाए। इसी नुक्ते पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना चाहते थे, मुतालबा नहीं माना गया। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई ने बार बार कहा किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। और इस वक्त मुल्की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है, आवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग अजाब बन गई है, हमें अपने किसानों का ख्याल करना चाहिए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा तकसीम की सियासत को मुस्तरद करते हैं, हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करते हैं।